हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल काव्या इंडियन ब्लॉगर। आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इतने दिनों से मैंने कोई ब्लॉग नहीं डाला ना, क्यों, क्या कारण था इसके लिए, आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो फ्रेंड्स, सुबह के बजे हैं 6 और मैं सुबह उठ चुकी हूँ और अब इसके बाद मैं अपना काम स्टार्ट कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले सुबह से लगा के शाम तक क्या काम रहता है, तो अब मैं जा रही हूँ सबसे पहले झाड़ू लगाने के लिए। झाड़ू लगाने के बाद फिर सब काम करूँगी। आज तो फ्रेंड्स बिकने आई थी ये चौलाई की भाजी, मैंने ली थी चौले की भाजी। तो कितने लोग जानते हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोग जानते हैं इस सब भाजी को। ये देखिए, यहाँ पर बहुत बिकने आती है मोमो, फिर वही की सब्ज़ी में बना रही हूँ। तो मैंने उसको धुल के रख दिया है और धुलने के बाद अब मैं काट ले रही हूँ। इसका पानी निकल गया है तो इसके बाद मैं काट लूँगी और फिर आलू मिला करके बनाऊँगी। बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। तो आप लोग भी बताइए कि आप लोग जानते हैं इसको कि नहीं जानते, आप लोग क्या क्या कहते हैं। हमारे यहाँ तो चौले की साथ चौराई बोलते हैं, तो उसी की सब्ज़ी में मैं काट रही हूँ। काटने के बाद मैं इसकी सब्ज़ी बनाऊँगी और इसके बाद मैं बाकी काम करूँगी। तो फ्रेंड्स, मैं नहा धोकर रेडी हो गई हूँ। रेडी होने के बाद मैं खाना बना रही हूँ। तो मैंने सोचा कि बहुत दिन मेरा कोई ब्लॉग नहीं आया, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। फ्रेंड्स, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसीलिए कुछ भी मन नहीं कर रहा था करने के लिए, लेकिन अब उनकी तबीयत सही हो गई है तो मैंने सोचा चलो एक आप लोगों से कुछ बात कर लेती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। क्योंकि कुछ भी अच्छा नहीं था, अगर घर में कोई परेशानी होती है तो कुछ भी करने को मन नहीं करता, ना किसी चीज़ में मन लगता है। ऐसा लगता है कि कब सही हो, 24 घंटे उन्हीं पे ध्यान रहता था कि कब सही हो जाएँ, कब सही हो जाएँ। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी फ्रेंड्स, तो वो एडमिट थे मेडिकल कॉलेज में, लेकिन अब उनकी हालत में बहुत ज़्यादा सुधार है। अब वो कल डिस्चार्ज होकर के घर आ जाएंगे, तो मैंने सोचा चलो जब भगवान की कृपा से सही हो गए हैं तो फिर मैंने कहा चलो आप लोगों से बात कर ली जाए। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा सुबह का 5 बजे का, तो मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ घर की। सबसे पहले उठकर यही काम होता है हम लोगों का, और क्या काम होता है घर पर, घर की झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बर्तन धुलना, कपड़े, खाना पीना, ये हाउस वाइफ का यही काम रहता है। तो मैं सुबह से उठ के पहले झाड़ू ही लगाई मैंने। और इसके बाद फिर मैंने ये तरोई की सब्ज़ी बनाई थी, ये तरोई लिए थे। मैंने कहा तरोई की सब्ज़ी बना, क्योंकि वो चौले की भाजी सूखी रहती है ना, तो उसके लिए कुछ चाहिए दाल या सब्ज़ी। तो बच्चे बोले हम दाल नहीं खाएंगे, तो फिर मैंने कहा चलो ये बना लेती हूँ। ये सब बना के रख दिया है और ये
जाला वाला लग गया था। दो दिन से बहुत आंधी आ रही थी इधर पर, तो बहुत ही ज़्यादा इतनी धूल धूल और जाला लगा हुआ था, तो मैंने सोचा इसको निकाल लेती हूँ। पहले सब जगह धूल ही धूल हो गई थी, क्योंकि आंधी आती है तो पूरे घर में धूल छा जाती है और बहुत ही ज़्यादा फिर सफाई करनी पड़ती है। तो फिर मैंने सब पूरे डिब्बे वगैरह बर्तन सब धूल में छप गए थे, तो सबको साफ़ किया और इसके बाद जो जाला लटके हुए थे उसको साफ़ किए। मैंने कहा बेडशीट भी बदल देती हूँ, तो फिर मैं अब जा रही हूँ इसके बाद बेडशीट बदलने के लिए। तो फिर मैंने बेडशीट बदल दी। ये मेरा नेक्स्ट दिन का वीडियो है फ्रेंड्स। तो मैंने सुबह से शुरू किया था और दूसरे दिन ख़त्म किया था। ये दूसरे दिन का है मेरा वीडियो। तो मैंने सोचा चलो बेडशीट भी बदल देती हूँ, क्योंकि धूल एक दिन पहले आंधी आई थी। आंधी में सभी सामान इतने धूल धूल से हो जाता है, शाम को बहुत आंधी आई थी। तो मैंने सोचा चलो सबसे पहले सुबह बेडशीट ही बदल देते हैं। तो उठने के बाद मैंने उसकी बेडशीट बदल दी। तो फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, अगर पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करना। जो नए व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि आपका लाइक ही हमें मोटिवेट करता है। तो फ्रेंड्स जो एन मॉम एंड ब्यूटी हैं उन्होंने बहुत मेहनत की है अपने यूट्यूब को इतने यहाँ तक पहुँचाने में, उन्होंने बहुत संघर्ष किया, बहुत मेहनत की है। तो फ्रेंड्स आज की मेरी, मैं उनको ही देखती हूँ हमेशा, उनके वीडियो देखती हूँ, उनके ब्लॉग देखती हूँ, उन्हें बहुत पसंद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने कितना संघर्ष किया है अपने यहाँ तक पहुँचने के लिए, अपने मतलब चैनल को बढ़ाने के लिए एक दिन मेहनत ही। फ्रेंड्स तो हम खा रहे हैं सत्तू, ये रखा सत्तू और ये गुड़, इसमें गुड़ घोल के पानी में डाल देंगे, फिर इसमें डालने सत्तू तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। चने के होते हैं, चने को पहले भिगो देते हैं, भिगोने के बाद उसको छाया में सुखाते हैं, सुखाने के बाद फिर उसको भुंजवाते हैं और भुंजवाने के बाद फिर उसको दरते हैं, दरने के बाद फिर पीसते हैं। बहुत ही मेहनत से बनते रहे, बहुत टेस्टी रहते हैं, बहुत ही फ़ायदे करते हैं गर्मी में, बहुत ठंडे होते हैं। तो फ्रेंड्स बच्चों को बहुत पसंद रहते हैं, दोपहर में ज़रूर खाते हैं सत्तू। तो आप लोग क्या क्या कहते हैं इनको फ्रेंड्स, बताइए आप लोग भी, और आप लोग खाते हैं कि नहीं खाते, आप लोगों को पसंद है कि नहीं पसंद है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आप लोग भी। तो फिर मैं घोल रही हूँ ये सत्तू, तो ये डाल के इसमें पहले पानी में गुड़ डाल दिया, गुड़ डालने के बाद घोल डाला, फिर उसके बाद डाला सत्तू और सत्तू डालने के बाद मिला दे रही हूँ। फिर ये बहुत अच्छे लगते हैं बच्चों को, बहुत ज़्यादा पसंद है इनको, सॉफ्ट रहते हैं, फ़ायदा भी करते हैं गर्मी में। मैं बना रही हूँ ये सत्तू, देखिए घोल दिए इसको और ऐसे चम्मच से फिर खाएँगे बच्चे। तो मेरे सत्तू बनकर रेडी हो गए, ये देखिए अब खाने के लिए। तो आप लोग भी आइए और खाइए, फिर बताइए कि आप लोग कैसा लगा, आप लोग पसंद आए कि नहीं आए।